अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान ने अपनी अब वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। प्राइमरी फोकस ऑल आइज ऑन वर्ल्ड कप और अब न्यूजीलैंड आ गई है पाकिस्तान और आज से शुरू हो रहे 5 T20 मैचेस सीरीज का आगाज पिंडी स्टेडियम में आज ओपनिंग मैच खेला जाएगा। सो यस, काकुल में ग्रूलिंग सेशन के बाद और ट्रेनिंग कैंप के बाद पाकिस्तान टीम यू नो दे वॉन्ट टू शो दे वर्थ। बहुत सारी चेंजेस आई हैं। वी हैव अ री इंस्टॉल्ड कैप्टन भी आए हैं हमारे पास वापस, बाबर आजम, एंड फ्यू चेंजेस इन द टीम एंड द मैनेजमेंट। एंड विद दैट लेट्स सी कि क्या होता है इस सीरीज में। ये टीम में आपको बताएं कि यू नो बोल्ट, कॉनवे, साउजी, सैंटनर, ये बिग नेम्स नहीं हैं। सो इट्स अ सेकेंड स्ट्रिंग टीम ऑफ न्यूजीलैंड। माइकल ब्रेसवेल कप्तानी कर रहे हैं, बट क्या ये सेकेंड स्ट्रिंग टीम जो है पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है? वेल, कंडीशंस एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है उनके लिए, बट पाकिस्तान टीम में क्या दिखाएंगे, लेट्स फाइंड आउट। हमारे एनालिस्ट ईगली वेट कर रहे हैं। मगर उससे पहले आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। सो 6:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम टॉस एंड 7 PM सब एक्शन शुरू हो जाएगा ओनली ऑन जियो सुपर। और सिर्फ ये भी नहीं, आप ये राइट दैट्स यू ऑन द स्क्रीन, और सिर्फ ये भी नहीं, पाकिस्तान वेमेन टीम भी जो बिजी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारी सीरीज चल रही है। 3 ODIs हैं, 5 T20 मैचेस हैं, ये भी आप जियो सुपर पे देख सकते हैं। तो ये शुरू में सुबह में शुरू हो जाता है मैचेस, सो डोंट यू नो जस्ट जियो सुपर लगा के छोड़ दें बिकॉज इट्स अ बिजी डे फॉर अस एवरी डे। एनीवे, मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याही हुसैनी एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग। थैंक यू जेंटलमैन। जब आई थिंक याया से हम लोग शुरू करते हैं बिकॉज याया में थोड़ा ऑफ द फील्ड और सब कुछ क्या हो रहा है, थोड़ी शाहीन पे बातें भी हो रही थी, बट यू नो याया, अगर एक महीने पहले मैं और आप जब यहाँ बैठे हुए बात कर रहे थे, आई डोंट थिंक हमने कभी इमेजिन किया होगा कि इमाद वसीम पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, मोहम्मद आमिर होंगे और बाबर वापस रीइंस्टेट हो जाएंगे एज अ कैप्टन। सो थिंग्स हैव रियली चेंज्ड सिंस देन। बात आप ठीक कर रही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट है, अनप्रेडिक्टेबल का टैग इसके ऊपर ऐसे ही नहीं लगा हुआ। हमारी टीम और हमारा क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही चल रहा है कि जहां आप सोचते नहीं हैं वहां से चीज़ें शुरुआत होती हैं, बट अब तब्दीली हो गई है। अब उस तब्दीली के साथ हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। और देखें, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस्तेहकाक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है, वो किसको कप्तान रखते हैं किसको कप्तान नहीं रखते, ये तो एजाज़ की बात है। उन्होंने शाहीन को कप्तान बनाया था, शाहीन को कप्तानी से हटा दिया, पहले बाबर को कप्तानी से हटाया था, बाबर को जिम्मेदारी दे दी। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि बाबर जिस तरह पिछले 3.5-4 साल में टीम को लीड करते रहे हैं, इस बार मुझे कहीं ऐसा लगता है कि उनको मशावरत से चलना होगा। और बाबर आजम के लिए वहाब रियाज का जो किरदार है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाब रियाज टीम के ड्रेसिंग रूम में सीनियर मैनेजर की हैसियत से मौजूद हैं। बतौर मैनेजर टीम के जो पर्सन होते हैं उनका काम खिलाड़ियों में टिकटें बांटना होता है, उनको सहूलियात फराहम करना होता है, उनके जो मामलात हैं उनको लुक आफ्टर करना होता है, टिकटिंग हो गई, डेली अलाउंस हो गए, बट वहाब रियाज ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं। वहाब रियाज मीटिंग में बैठेंगे, कल एक मीटिंग भी हुई है लेट नाइट, चेयरमैन PCB मोहसिन रजा नकवी, वहाब रियाज, बाबर आजम एंड अजहर महमूद की, और बड़े खुशगवार अंदाज में ये गुफ्तगू हुई है। और इस मुलाकात का बुनियादी मकसद यही था कि जो न्यूजीलैंड की टीम के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ है, इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, मशावरत हुई है कैसे खेलना है, खिलाड़ियों को कैसे आपने एंटरटेन करना है, उनको रोटेशन पॉलिसी पर कैसे लेकर चलना है, तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कैटेगोरिकली और वाज़े अंदाज में जो है वो सबको पैगाम दे दिया। ठीक है, एंड यू नो सिक्कू द रीज़न वाई मैं व्याय के पास पहले गई थी बिकॉज एक ये ऑफ द फील्ड जो सब बातें हो रही थी ना, इससे हमारा वार्म अप शुरू होता है कि यू नो एवरी थिंग लुक्स गुड एंड ऑल इज़ वेल अंटिल यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम एंड दैट्स वे यू कम इन। सो हम लोग पहले अपनी स्क्वाड को भी दिखा देंगे आपको, विल शो इट ऑन बिग स्क्रीन एज वेल कि हमारी स्क्वाड में कौन कौन है। एंड जस्ट यू नो एंड वाइल यू टॉकिंग सॉरी सिक्कू, लेट्स टॉक अबाउट इट बिकॉज आई थिंक द होल टैग लाइन इज लेट्स ट्राई अ कॉम्बो बिफोर द वर्ल्ड कप। और जिस तरह बाबर कह रहे वी वेरी फ्लेक्सिबल, हम लोग बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएंगे, हम लोग न्यू कमर्स को आजमाएंगे, सो ये सब कुछ चल रहा है। स्क्वाड आपके सामने, मैं बोल सकूँ? बिल्कुल, शुरू करें। अभी आपने जो सवाल किया था, कभी भी हमारे यहाँ कोई चीफ मैनेजर नहीं हुआ है। हम जितनी भी मैंने क्रिकेट में ट्रैवलिंग की, एक मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर होता है। जो मैनेजर होता है कभी भी ना वो डेली अलाउंस देता है, कभी भी वो इन चीज़ों पे नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटोकॉल
जितने भी आपस में इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, अगर जो लोकल क्रिकेट बोर्ड है उसकी अरेंजमेंट्स करता है, जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उसका काम ये होता है सारे अरेंजमेंट कराना, लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस दफ़ा इन्होंने एक पहले मिसबाह के लिए क्रिएट की गई थी मुख्तलिफ पोजीशंस, उसके बाद हफीज के लिए की गई, इस दफ़ा वहाब रियाज जो हैं वो इस वक्त उन सीट पर हैं तो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट ये है कि जब आज टीम अनाउंस होगी तो वो कौन सी होगी, टीम में कौन लड़के होंगे, किस किस्म का कॉम्बिनेशन चलेगा, क्या अभी बड़ी इंटरेस्टिंग, बल्कि याया को भी मैं सुन रहा था कल परसों मॉर्निंग शो में, वो ये कह रहे थे कि शायद रिजवान का नंबर नीचे आ जाएगा। तो मेरा कहना ये था कि जी रिजवान तो नए बॉल से अच्छा खेलता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसके जो हिटें हैं, जो उसके शॉट्स हैं, वो तो नए गेंद से होती हैं। तो अभी याया से यही पूछना है कि क्या वाकई अब वो डिसाइड हो चुका है कि सायम ओपन करेगा और रिजवान चार पे आएंगे। तो ये चीज़ें वो हैं जो बैटिंग ऑर्डर्स, क्या ऑलराउंडर्स कितने खेलेंगे, क्या स्पेशलिस्ट स्पिनर खेलेगा और कितने फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, ये चीज़ें आज के मैच से ना शुरू हो जाएंगी। जब पहली टीम अनाउंस होगी तो उससे आप माइंड रीड कर सकेंगे कप्तान का, कोच का, मैनेजर का, वहाब का, कि ये क्या प्लान कर रहे हैं वो। तो उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उससे पहले हम खुद बात करें कि जी इसको होना चाहिए उसको, वो मैं नहीं कर रहा अभी, मैं आज के मैच के बाद करूँगा। सही कह रहे हो, आई वाज होपिंग आया कि पहले अनाउंस कर देंगे प्लेइंग 11, बट ऑफ कोर्स हमने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जब हमारी रैप अप होगी, फिर आयरलैंड है, देन वी हैव टू प्ले इंग्लैंड, सो ये कॉम्बिनेशन और ये सब कुछ तो ट्रायल एंड एरर तो चलता रहेगा, बट इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आज क्या होगी, क्या वही होगा आज फुल स्ट्रेंथ के साथ जाए, सीरीज जीत लेते हैं, फिर उसके बाद जो आखिरी दो मैचेज या तीन मैचेज होंगे, सॉरी दो मैचेज होंगे, उसमें हम लोग नए लड़कों को आजमाएंगे, द सेम पैटर्न दैट वी बीन फॉलोइंग। दो दिन में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस फातिमा, और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिटी नहीं है। अजहर महमूद आए हैं और अभी उनका टास्क है नहीं वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप की बातें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी जो स्टोरी मैंने दी थी कि शाहीन आफरीदी नहीं खेलेंगे पहले दो मैच, उन्होंने कहा यार मुझे तो खुद ये न्यूज़ पता चली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वाकई शाहीन आफरीदी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उन्होंने सिर्फ ये कह के जो है अपने आप को इन चीज़ों से निकाल लिया। ये जो सिकंदर बात कर रहे हैं कि रिजवान नंबर पाँच पर खेलने के लिए आ रहे हैं, जो हमारे पास इत्तलात हैं वो यही हैं कि उस्मान खान को होना तो ये चाहिए था कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाते, जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने जो है उस्मान खान को नंबर तीन पर भी खिलाया, किसी मैच में बाहर भी बिठाया, तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बाबर के साथ सायम ओपन करने जा रहे हैं, जो कॉम्बो उनका पेशावर जलमी के साथ था वो उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और यहाँ पर उस्मान जो हैं उनको भी डेब्यू कराया जा रहा है और वो मोस्ट प्रोबेबली नंबर तीन पर खेलेंगे। फिर आपको पता है कि सेक्रीफाइस कर चुके हैं फ़खर जमान, नंबर एक छोड़ा, नंबर दो छोड़ा, नंबर तीन छोड़ा, अब इसके अलावा वो क्या छोड़ सकते हैं, तो वो तो नंबर चार पर खेलेंगे ही। तो अब नंबर पाँच पर आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान। बिल्कुल ठीक कहा सिकंदर बख्त ने कि पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई एडिशन में वो लाहौर कलंदर के लिए खेले, कराची किंग्स के लिए खेले, और इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बन सके कि वो मिडल ऑर्डर में खेल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को टॉप ऑर्डर में प्रेजेंट किया और न्यूजीलैंड का दौरा 2020-21 वहाँ पर उन्होंने इनिंग का आगाज़ किया, मिसबाउल हक ने उनसे इनिंग का आगाज़ कराया, तो उनका करियर जो है एकदम 90 डिग्री चेंज हो गया। अब उन्होंने जितनी परफॉर्मेंस दी है वो नई गेंद के साथ दी है, वो T20 में ओपन करते हैं और वनडे क्रिकेट में नंबर चार और पाँच पर खेलते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि रिजवान को हमने देखा है, बट दे आर प्रोफेशनल्स। और अब अगर ये बात हो रही है कि आप टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलेंगे, टीम ये फैसला करेगी कि आपको कहाँ कब कैसे यूटिलाइज करना है, तो अगर ये सोच है तो फिर रिजवान को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, हम रिजवान की बात करें सीखो, मगर इसमें देखो फातिमा, मैं मानता हूँ कि प्लेयर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मगर आप किसी लड़के की एक पोजीशन जिस पे, जैसे कि PSL में क्या हो रहा था, कोई 7 या 8 मैच के बाद मैंने पूछा था कि इमाद अच्छी बॉल कब करते हैं, तो आप ही ने जवाब दिया था नए गेंद से, कहा था ना, उसके बाद उनसे अब उन्होंने नया गेंद शुरू किया, उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आती चली गई। तो यही चीज़ मैं रिजवान के लिए, जैसे अभी उसने बताया कि याया ने 21-22 से वो शुरू में ओपन करना, तो उनका जो एक स्टाइल है, मेरे हिसाब से बाबर को ये करना चाहिए कि एक मैच में वो और सायम ओपन करें, फिर अगले मैच में रिजवान से और सायम से ओपन वो भी देख लेते हैं, हाँ, वो नीचे आ जाएं, तो इस किस्म से कोई कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया जाए, तो फिर ताकि तीन चार ये पांच मैच और आयरलैंड के मैच, इससे आप अपनी टीम डिसाइड करें। इसलिए इंग्लैंड की टीम तगड़ी है, उधर आपको अच्छी और अपनी एक जहनी तौर पे जो आपकी वर्ल्ड कप की टीम तैयार हो जाएगी, The best 11. हाँ, the best 11. वो आप इंग्लैंड के खिलाफ खिलाएं, इसलिए कि इंग्लैंड की टीम तगड़ी होगी, उधर आपको
अपनी टीम का जो है पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। एंड यू नो सिको, आई थिंक वन अदर प्लेयर जो एक्चुअली ज़्यादा फोकस में वो उस्मान खान है, यू नो, बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड। फिर उसके बाद वो PSL में कितना उसने शाइन किया, फिर वो UAE पाकिस्तान का पूरा चक्कर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लॉट ऑफ फोकस ऑन हिम एज वेल। आई मीन जैसे बाबर की भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उन्हें बोला उस्मान को वही करना पड़ेगा जो करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं। लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम एज वेल टू स्टे ऑन टॉप एंड बी एज गुड एज ही वॉज इन द PSL। मुझसे पूछ रहे हो जी? अच्छा देखो, उस्मान खान का बहुत बड़ा फैसला है, इतना बड़ा फैसला है कि उसका एक कैरियर एक तरफ चल रहा था, वो एक ऐसी जगह पे आया है जहाँ पे ऑलरेडी 3-4 लड़के उस पोजीशन पे खेल रहे हैं। बाबर है, रिजवान है, साइम है, फ़खर है, ये ऑलरेडी ओवर देयर। फिर आपके पास साउथ शकील भी ओपन कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर पे T20 में खेल रहे हैं, फरहान साहबज़ादा फरहान भी हैं, तो उनके लिए बहुत कंपटीशन सख्त है। और अगर वो 1-2-3 मैचों में फेल हुए, अल्लाह ना करे हो, अल्लाह करे वो कामयाब हो, नहीं होते, परफॉर्म नहीं होती, तो उनके लिए बहुत जो है एक बहुत बड़ा उन्होंने फैसला किया है। आई होप कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह कश्तियां जला दी उन्होंने। मैं इत्तेफाक नहीं करता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, और उसकी बुनियादी वजह फातिमा यह है कि UAE ने उनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिया, दैट्स वंडरफुल। बट देखें, जो आप पाकिस्तान से खेलते हैं ना, जो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मज़ा आपको कहीं मिलता नहीं है। आप अगर चलें वो UAE से खेल लेते, शायद उनको माली तौर पर जो है आसूदगी मिल जाती, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता। लेकिन अगर वो UAE को रिप्रेजेंट कर भी लेते ना फातिमा, तो 4 साल के बाद होने वाले वर्ल्ड T20 में वो क्वालिफाई टीमों के साथ खेलते, पता नहीं उनकी टीम क्वालिफाई करती नहीं करती, फिर उसके बाद वो एशिया कप में खेल लेते, तो उनको इस तरह का मौका मिलता, लेकिन उनको जो है ना रिकग्निशन नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान से वो खेलेंगे, एक मैच भी खेल लेंगे ना, उनके नाम के पीछे लग जाएगा उस्मान खान फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल प्लेयर। तो उन्होंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, देखें ये तो देखें फातिमा, ये सवाल है, बर्निंग क्वेश्चन आपने सवाल किया ना। देखें, आप जब कश्तियां जलाकर आते हैं, तो उन्होंने कोई कश्तियां नहीं जलाई। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मुल्क को रिप्रेजेंट करना ना, इससे आपको अच्छी कोई बात नहीं होती। और अगर वो खेले भी मुल्क से और उनको आगे मौका नहीं भी मिला, तो अच्छी क्रिकेट वो खेले हैं, मुल्तान सुल्तान से खेलेंगे, PSL में दोबारा वो नॉक करेंगे दरवाजे के ऊपर, करियर उनका सिक्योर है, ये मैं आपको कह दूँ, और UAE ही उनको दोबारा खिलाएगा, ये भी मैं आपको कह दूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि याया से मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान में कितने क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 2-3-4-5 इंटरनेशनल पाकिस्तान से खेले, जिनको मैं नहीं जानता। पिछले दिनों एक लड़के का आया कि जी हैप्पी बर्थडे टू फलां, मैं कहा यार ये कौन है, देखा तो उसने कोई 5 इंटरनेशनल्स खेले हुए थे। तो हमारे यहाँ ऐसे गायब होते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो मैंने तो उनको विश किया है कि वो अगर अपनी जगह बना लेते हैं तो ज़बरदस्त, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। 28 साल की उनकी उम्र है ऑन द पेपर माशाल्लाह से, और वो अगर सेटल हो जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, मगर अगर सेटल नहीं होते तो 1 या 2 मैच के बाद। अच्छा, मैं इसका भी जवाब दे दूँ, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ये आप बात कर रहे हैं उस वक्त की जब सिर्फ 2 फॉर्मेट की क्रिकेट होती थी, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आप काउंटी खेलने चले जाते थे, T20 क्रिकेट कदम जमा रही थी। अब इतनी क्रिकेट हो रही है ना सिकंदर बख्श साहब, इतनी लीग हो रही है ना कि आप कहीं नहीं जाते। आप अगर टीम से ड्रॉप भी हो जाते हैं, आप अगर लीग में खेलने के लिए चले जाते हैं, दोबारा आप नॉक करेंगे। तो इस वक्त तो उनका टाइम है, और अपने टाइम को वो कैश करा सकते हैं। और बाकी जितने आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो 1-1, 2-2 वनडे या टेस्ट मैच खेलकर बाहर हुए हैं, तो मैं ये भी आपसे कहूंगा कि कोई शक नहीं है इसमें कि उनके साथ सियासत हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन उन खिलाड़ियों के बाहर होने में उनका अपना भी बहुत ज्यादा हाथ है। नहीं देखिए, जो टेस्ट क्रिकेटर होता है ना उसका, देखो जो टेस्ट क्रिकेटर होता है ना फातिमा, वो टेस्ट क्रिकेटर वो अलग चीज होती है। अच्छा ठीक है, जो वनडे इंटरनेशनल वगैरह वगैरह खेल के गायब हो जाते हैं ना, उनको कोई नहीं याद करता अगर वो गायब हो जाते हैं तो। अल्लाह करे, मेरी तो दिल से दुआ है कि वो, इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए कि वो कामयाब हो जाए। एब्सोल्युटली, मेरे दिल से दुआ है, मगर ये बहुत बड़ा उन्होंने चांस लिया। एक और चीज़ शुरू हो रही है, वो है सेकेंड एपिसोड और कम बैक पार्ट 2, वो है बाबर की कैप्टनसी का। सो व्हाट आर यू ऑल एक्सपेक्टिंग फॉर हिम, मतलब क्या चेंज आप लोग देखना चाहोगे, क्या आप देखेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, बाबर कितने कॉशियस होंगे, इस पे भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि द सेकंड कमबैक और द कमबैक ऑफ बाबर आजम एज अ कैप्टन। सो सिको यू टेल मी, फिर याय से भी पूछते हैं, याय ने तो थोड़ा सा शुरू में बताया भी। देखो वो उनमें जो फॉल्ट्स थे हम बहुत पहले बता चुके हैं कि पोजीशंस को चेंज नहीं करते, रोटेशन की हमने 3 साल से बातें कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम करती हैं, मगर अब सुना है कि रोटेशन होगी, तो चलें 3 साल बाद हमारी बात जो हम करते आए जियो के पर वो सही हो गई। उसके अलावा बाबर में एक इशू चल रहा था जो मैं बार बार कहता था कि
एक स्पिनर उनके पास खेल रहे, वो भूल जाते थे कि सलमान अली आगा स्पिन करते हैं, फिर अगले मैच में उससे नहीं कराते, फिर इफ्तिखार से करा लेते हैं, फिर इफ्तिखार को नीचे कर दिया, नवाज़ को ऊपर कर दिया। सलमान अली तो इस किस्म की सारी चीज़ें जो हैं वो मिस्टेक्स करते रहे, मगर अब नया कोच, नई मैनेजमेंट, देन वी हैव टू सी कि उनमें कितना चेंज आया। वो जब वो परफॉर्मेंस, जब वो खेलेंगे, टीम को लड़ाएंगे, तो फिर हम बता सकेंगे कि अभी हम प्रेडिक्शन से भी तो कहना कि जी वो सही होकर आए नहीं आए, तो वो अभी से हम कुछ नहीं कह सकते। दैट्स ट्रू। या आपने तो उस पर शेयर भी किया था अपने सेंटिमेंट्स, बट लेट्स आल्सो टॉक अबाउट न्यूजीलैंड टीम। आई मीन ऑफकोर्स आप केन विलियमसन के खिलाफ नहीं खेल रहे हो, आपके पास सेंटर नहीं है, बोल्ट नहीं है, वो लोग लीग मैचेस खेल रहे हैं, बट दिस टीम दैट मीन्स हैज़ नथिंग टू लूज। उनको पता है हम वेरी फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान टीम के साथ खेले, दे माइट एक्चुअली सरप्राइज यू, मुझे ये भी लग रहा है। व्हाट डू यू फील? नहीं, बिल्कुल भी नहीं फातिमा, हमें सोचना नहीं चाहिए न्यूजीलैंड के बारे में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपनी तैयारियों पर फोकस करना है, हम इंटरनेशनल सीरीज़ खेल रहे हैं और इंटरनेशनल सीरीज़ में जीत अहमियत की हामिल है, और जीत के खाने में सिर्फ ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, ये नहीं लिखा जाएगा कि केन विलियमसन नहीं आए थे, साउथी नहीं आए थे, बोल्ड नहीं आए थे, ये नहीं लिखा जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो हमारी टीम है, हमारी टीम के लिए ये बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि हम अपने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को ट्राई आउट करें, और उसके साथ साथ जो एक मुकाबले की फ़िज़ा यहाँ पर पैदा हो रही है, उस मुकाबले की फ़िज़ा को हम और स्ट्रेंथन करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इमाद वसीम की वापसी के बाद भी ये बात मेक श्योर नहीं है कि वो नया बॉल करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा पेशावर जलमी से नया बॉल कराया है बाबर आजम ने साया मयूब से, तो एक कॉम्पिटिशन यहाँ भी डिवेलप हो गया है। फिर अगर इमाद वसीम अपने आप को जिस तरह प्रेजेंट कर चुके हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर साया मयूब भी हर मैच में दो ओवर डाल लेंगे, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि इस टीम में जगह फंस जाएगी शादाब खान की, कि शादाब खान को आप कैसे एडजस्ट करेंगे इस टीम के साथ। क्योंकि देखें, पीएसएल में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर चार पर आकर तो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो रिजवान की बैटिंग नहीं आ रही। अगर आप उस्मान खान को भी टीम में इंडक्ट कर लेते हैं, तो फिर शादाब अपने आप को बैटिंग से नहीं बचा सकते, तो शादाब को 100% अपनी बॉलिंग करना होगी। फिर बॉलिंग में अगर आपको मैं लेकर जाता हूँ, तो बॉलिंग में देखें, इस सीरीज़ में आपको हारिस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर नसीम शाह वापस आ रहे हैं पूरे रिदम के साथ। शाहीन आफरीदी का मुकाबला अब आमिर के साथ होगा, क्योंकि वो भी नया बॉल करते हैं, आमिर भी नया बॉल करते हैं, आपके पास कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर जमान खान है, फिर आपके पास जो है वो जो आफरीदी हैं, अब्बास आफरीदी वो हैं, तो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है मैं आपको बताऊं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि इस टीम में जो है सलमान अली आगा को होना चाहिए आपके मिडल ऑर्डर को पुश करने के लिए। बट आई सरप्राइजिंगली सिको देयर इज नो सलमान अली आगा दिस टाइम, आई मीन देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर मी एज वेल। बड़े यूजफुल हैं, यू नो, मिडल ओवर्स में बी, एंड I don't know. मैं कल के प्रोग्राम में फातिमा, उसके लिए मैंने ये बात की थी। अच्छा, you did? हाँ, okay. सलमान अली आगा के लिए नहीं, आप तो सिलेक्शन से बात कर रहे हैं, जब से टीम सेलेक्ट हुई है तब से आप कह रहे हैं कि सलमान अली आगा की जगह बनती है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि उसकी जगह बनती है, इसलिए कि उसने जब T20 खेला बहुत अच्छा खेला, उसमें वो मुझे पोटेंशियल नज़र आया कि पावर हिटिंग क्या, और उसमें वो बॉलिंग कराने की भी सलाहियत है, इज़ अ गुड फील्डर, तो गुड फील्डर, हाँ वो जगह बना सकता है, मगर बैड लक। और दूसरी चीज़ पे मैंने जो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है वो है इफ्तिखार का बैटिंग ऑर्डर। मैंने कल भी मॉर्निंग शो में भी, शाम को वाले शो में भी दानिश के साथ यही बात की कि यार उसका एक आप नंबर सेटल करें, वरना हम क्या देखते हैं कि कई जगह पे नवाज़ को भेजा, फिर उसके बाद जो है शादाब खुद चले गए, फिर उसके बाद जो है शाहीन को भी भेज दिया, और उसको बेचारे को नीचे करते चले गए, वो गलत कर रहे हैं। But Sikko, what is this mystery? क्यों इफ्तिखार की जगह? I don't know. I really want to know. मुझे लगता है दो साल से इस बारे में मैं तो मतलब मेरी कोई उससे दोस्ती नहीं, मैं तो जिंदगी में नहीं मिला, ठीक है। मैं तो पाकिस्तान के साथ देखें, शाहीन अच्छी, नसीम शाह अच्छी गेंद कर रहे थे, मैं मुसलसल कह रहा था कि यार ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं वो, PSL में उनका जो मूवमेंट है वो ज़बरदस्त जा रहा है, और वो एक विकेट टेकिंग बॉलर बन गए। अब इसी तरह मैं इफ्तिखार को समझता हूँ कि इज़ अ वेरी गुड बैटर फॉर पाकिस्तान, जो कि पाँच, उसको ये ना कहें कि यार ये दो ओवर का है, ये तीन ओवर का है, वो आसिफ की तरह, वो नहीं, प्रॉपर बैट्समैन, उसको थोड़े ओवर दें, फिर उसको बहुत ज़बरदस्त पावर हिटिंग करता है। एब्सोल्युट, इफ्तिखार जो है एग्रेसिव बैटिंग, इन दो के लिए मैंने बहुत बोला है। इफ्तिखार एग्रेसिव बैटिंग करते हैं क्रूशियल टाइम, दैट्स व्हाट यू नीड, तो एटलीस्ट उनको एक जगह होनी चाहिए, शी शुड नो वेयर इट कम्स। बट एनीवे, वी विल टेक अ क्विक ब्रेक, और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम भी है बिजी, बट नॉट अ गुड डे फॉर देम टुडे, वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान वुमेन टीम की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम की जो आंखें हैं वो अपने ICC वुमेन्स चैम्पियनशिप में अपनी पोजीशन बेहतर कराने बनाने पर है, और बस बेसिकली एक ही एम है कि डायरेक्ट वर्ल्ड कप में
जो है वो पाकिस्तान टीम चली जाए, इंडिया में खेला जाएगा नेक्स्ट ईयर. सो अवॉइड करना पड़ेगा उनको क्वालिफिकेशन राउंड. कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो देखें अपनी पोजीशन तो इस वक्त आईसीसी वेमेंस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पोजीशन है फिफ्थ, और अगर उनको क्वालिफाइंग राउंड को अवॉइड करना है, क्वालिफाइंग टूर्नामेंट को अवॉइड करना है, तो उनको मिनिमम 6 पे आना पड़ेगा. तो 8 मैचेस वो जीत चुके हैं आउट ऑफ 18, तो अभी आगे मैचेस इनको जीतने पड़ेंगे टू गेट अ गुड पोजीशन. और इसलिए पाकिस्तान वेमेंस टीम इस वक्त बिजी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की वेमेंस टीम कराची आई है, जहाँ हम लोग 3 ODI मैचेस खेलेंगे एंड 5 T20 मैचेस. एंड रिमेंबर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहे हैं. आज एक्शन तो कुछ हुआ मगर नॉट गुड फॉर पाकिस्तान. तो जल्दी से आपको मैं थोड़े से देर पहले जो मैच रैप अप हुआ उसकी अपडेट दे दूं कि वेस्ट इंडीज़ वीमेंस टीम ने पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान वीमेन को 113 रन से शिकस्त दे दी. वेस्ट इंडीज़ वीमेंस ने 269 रन बनाए थे फॉर 8, और उन्होंने 8 खिलाड़ी आउट के जवाब में पाकिस्तान वीमेंस टीम को 156 रन पर आउट कर दिया. कैप्टन हेली मैथ्यूज ने करियर बेस्ट बाय द वे 140 रन्स नॉट आउट और 3 विकेटों की उम्दा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई है. साथ ही एक बार तुबा सेन स्टैंड आउट किए हैं 2-2 विकेटों के साथ, और तुबा हसन ने 25 रन्स बनाकर टॉप स्कोर किया है. अब दूसरा जो वनडे इंटरनेशनल है वो संडे को खेला जाएगा. एक तो आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान वीमेन टीम भी बिजी है. यू नो क्रिकेट का एक ऐसा लगता है ना, बिल्कुल शुरू हो गया, सीजन शुरू हो गया. मेंस टीम भी बिजी है, वेमेंस टीम भी बिजी है, बट पाकिस्तान को अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए और वही रखने के लिए दे नीड टू विन मैचेस. कोई शक नहीं है फातिमा, इसमें बिल्कुल ठीक कहा आपने. लेकिन आज जो वेस्ट इंडियन कैप्टन हेली मैथ्यूज ने 100 किया है, थोड़ी फील्डिंग आज पाकिस्तान की खवातीन टीम की अच्छी नहीं रही, कुछ कैचेस ड्रॉप हुए और एक अच्छा मौका उनको मिला रन्स करने का. बट कोई मसला नहीं, और आप गलतियां करके सीखते हैं. ये जो हमारी खवातीन टीम है अंडर द कैप्टनसी निदा डार, उनकी वेस्ट इंडीज़ में और न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है. तो T20 क्रिकेट में टीम बहुत अच्छी है, बट निदा डार से कुछ दिन पहले बात हुई थी, उनका कहना ये है कि बहुत ज़्यादा हमसे हाई होप्स हैं, बट आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए वेस्ट इंडीज़ की टीम को. उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं और एशिया की कंडीशन में वो हमें टफ टाइम दे सकते हैं, तो हमको अपनी स्ट्रेंथ का पता है. या हमारी पूरी टीम खेल रही है या कोई लड़के बच्चियाँ मिसिंग है, कोई बच्चे इंजर्ड भी हुई थी, कोई कार एक्सीडेंट हुआ? नहीं, खेल रही हैं. बिस्मा मारूफ एक्स कैप्टन है, वो इंजर्ड हुई थी, वो खेल रही हैं. और उसके अलावा सना फातिमा पाकिस्तान की प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर हैं, वो भी खेल रही हैं. तो ये जो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान को पहले वनडे में हराया है, तो अच्छी टीम है वेस्ट इंडीज़ की, और वो पाकिस्तान में अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आए हैं, तो कोई अपसेट नहीं है. ये दोनों टीमें टक्कर की हैं. एंड यू नो हम लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ जब जीते थे सीरीज, आई थिंक उससे ज़्यादा एक तो आई फेल्ट कि पाकिस्तान टीम का मोराल बहुत हाई है, एंड दे नो दे कैन डू दिस. सो सिकुआ ने 3 हमने वनडे खेलने हैं, फिर आगे 5 T20 मैचेस है, सो द गर्ल्स विल बी वेरी बिजी थ्रू आउट. देखिए, इन ख्वातीन को अच्छा करने के लिए जितने भी आप मैच खेलना है कम है. बेचारियों को देखो, मैं एक ज़माने में जब हम साउथ एंड में मैं कोचिंग करता था क्रिकेट सेंटर ऑफ पाकिस्तान में, तो हम इनको मैचेस देते थे. ये मेरे पास आई थी उस ज़माने में, सना मीर वगैरह सब खेल रही थी, निदा वो नैन आबदी और जवेरिया वगैरह ये सब खेल रहे थे. तो जो लोकल खातून थी वो आई थी कि यार हमें मैच दिया करें, तो हमने उनको हफ्ते में एक मैच का या थर्सडे या वेनसडे को दिया हुआ था. हम उनके साथ 50 ओवर के मैच भी खेलते थे. तो मुझे फील हुआ कि इन बेचारी बच्चियों को ना एक्सेप्टेड ग्राउंड होना चाहिए. जो पेरेंट्स आते थे, मैंने उनसे गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, ये मर्दों के ग्राउंड में जाते हैं ना, वहाँ पे मर्द होते हैं, तो हम थोड़ा सिक्योर फील नहीं करते. तो ये बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ख्वातीन के लिए ना एक सेपरेट ग्राउंड बना दें, जिसमें उनका ट्रेनिंग सेंटर भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन हों, ताकि जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भेजते हैं तो वो उनको थोड़े सिक्योर फील करें. सिर्फ गार्ड जो मेन गेट है ना उसके पर बाहर गार्ड्स हो. वेल आई डू फील कि ऐसी नीड है, मगर आई फील वी've कम अ लॉन्ग वे. जब आप बात कर रहे हैं उससे अब तक तो बहुत अभी बहुत अच्छी हो गई है. हाँ, क्या पहले बहुत, के मुकाबले में तो बहुत अच्छी हो गई है, मगर इनको और क्रिकेट खेलनी है. हां, द गर्ल्स हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड आई एम ग्लैड. ये एक लंबी सीरीज है ना, सो गुड गुड टू ट्राई, सो गुड कॉम्बिनेशंस एंड वेल. अच्छा गाइस, बिफोर लेट यू मतलब बिफोर मैं रैप अप कर लूं, आजम खान की क्या रिपोर्ट है? आई मीन आई नो कि उनकी थोड़ी इंजरी हो गई थी. वो इंजरी? Yeah, he had a calf injury. Remember, PCB की तरफ से हमारे पास ये अपडेट आई थी कि let's see उनकी क्या अपडेट आती है, and what he, how he's feeling, and will he be available for selection today or not. But आप Jio News देखते रहेगा, Jio Super में आपको पता है सब एक्शन लाइव होगा. याया के शो भी आएंगे, वो भी आपको अपडेट करेंगे अबाउट दिस प्लेइंग 11 क्या हो सकती है. बट अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, एंड वील सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.